रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कई तरह की खबरें उठ रही हैं। कभी ये कहा जाता है कि हमले के डर से पुतिन किसी बंकर में छिपे हुए हैं और उनकी जगह उनका हम शक्ल मीडिया के सामने आता है। कभी कहा जाता है कि पुतिन का हम शक्ल ही विदेशी दौरों पर जाता है और पुतिन हमेशा बंकर में छिपे रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जो अपने आप में चौंकाने वाली है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन को एक खास बीमारी है, वो है डिमेंशिया, यानी भूलने की एक अजीब सी बीमारी। हालांकि रूस का राष्ट्रपति भवन इस खबर का हमेशा से खंडन करता आया है और दावा करता है कि पुतिन एकदम स्वस्थ है, जबकि कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन भूलने की बीमारी से ग्रसित है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक शहर के मेयर ने पुतिन को अपने दो बेटों की उम्र बताई। मेयर इवान स्टोकमैन ने कहा, उनका सबसे छोटा बेटा 9 साल का और बड़ा 23 साल का है। इस पर पुतिन ने कहा कि आपका छोटा बेटा 3 साल का है। इसके अलावा इसी हफ्ते पुतिन एक ऑनलाइन कार्यक्रम में थे जहां पर यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत के बारे में बात की जा रही थी, तो पुतिन ने तुरंत जवाब दे दिया कि उन्हें मेरा सलाम। और पुतिन के इन्हीं अटपटे जवाबों से ऐसा लग रहा है कि शायद पुतिन को भूलने की बीमारी है। हालांकि भूलने की बीमारी के अलावा ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन को कैंसर, पार्किंसंस बीमारी या डिमेंशिया है। हालांकि इन खबरों के बावजूद भी क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर लोग उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि पुतिन को अल्जाइमर की बीमारी है, उनका छत की तरफ देखना और धीरे धीरे बड़बड़ाना असामान्य है।